ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे कराने के फैसले को गलत करार दिया है। उनका मानना है कि ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा, निचली अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन है। ये बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, ये एक खुला उल्लंघन है और मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते। AIMIM प्रमुख ने यह भी सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ सरकार को उन लोगों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए जो धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, योगी सरकार को उन लोगों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए क्योंकि 1991 का अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है, अगर अदालत उन्हें दोषी पाती है तो उन्हें 3 साल की कैद की सजा हो सकती है। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने की इजाज़त दे दी और इसके लिए 17 मई से पहले का समय तय किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले शुक्रवार को सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा था जिस पर विवाद पैदा हो गया था। याद दिला दें कि मस्जिद के पीछे चबूतरे पर मां श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं के सत्यापन और उनके अस्तित्व को स्थापित करने के लिए शुक्रवार दोपहर को कोर्ट से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर ने निरीक्षण शुरू किया था जिसका विरोध हुआ था।